हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस में जो पहले लाइन इंटीग्रल बताए थे क्वेश्चन नंबर 13 तक, आज हम नया शुरू करने वाले सरफेस इंटीग्रल्स। सरफेस इंटीग्रल जो है पहले क्या है उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। सरफेस इंटीग्रल रिलेटेड टू स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड है ये कि एन इंटीग्रल इवेल्युएटेड ओवर ए सरफेस इज नोन एज सरफेस इंटीग्रल। इवेल्युएटेड करते सरफेस कोई एरिया, सरफेस पर कोई पॉइंट रहता है, पॉइंट का एरिया उसका निकालते हैं सरफेस इंटीग्रल। अब ये दो तरह का होता है सरफेस इंटीग्रल, देर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेस इंटीग्रल। फर्स्ट टाइप होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, एंड दूसरा होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन जो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स वाई जेड का होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन इसमें होता है इसमें भी। और सरफेस इंटीग्रल ऑफ दूसरा टाइप है सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, उसमें होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो होता है कि डबल इंटीग्रेशन से एफ डॉट एन नॉर्मल डी एस, द इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर है, ओवर एस इज कॉल कहलाता है द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर एस, इसको फ्लक्स भी बोलते हैं। तो ये देखते हैं क्या ये होता है, लिखेंगे लेट एफ वेक्टर बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर फंक्शन एंड एस एस फॉर सरफेस, एस बी द गिवन सरफेस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर ओवर द सरफेस एस, ओवर द सरफेस एस इज डिफाइंड एज एज द इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट्स, इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एफ वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, टू द सरफेस कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल इज इक्वल्स टू होता है एफ वेक्टर डॉट एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, एन क्या है वेयर वेयर
एन यूनिट वेक्टर का यह साइन है कैप का इजिकल्स टू यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये मान लीजिए नॉर्मल है एन, ये नॉर्मल एन है और यहाँ एक कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट, एक पॉइंट पर ही हम निकाल सकते हैं इसको सरफेस इंटीग्रल। ये एफ वेक्टर है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ये सरफेस मान लीजिए इस तरह से है, ये सरफेस है कोई, इसको डी एस कोई पॉइंट पर ये ले रहे हैं, तो इस तरह का ये वेयर एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू एन एलिमेंट डी एस, एलिमेंट डी एस एंड एन नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलता है, एन नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे हम ग्रेड एफ, ग्रेड एफ यही है स्केलर पॉइंट फंक्शन, ग्रेड एफ बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड एफ, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं ग्रेड एफ ग्रेडियंट एफ, ग्रेडियंट एफ बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एफ, ये हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे। देयरफॉर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ऑफ एफ वेक्टर ओवर एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर, यही लिखाएगा, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन डी एस, ये डी एस कहलाएगा एफ एन डी एस, इसको हम फ्लक्स भी कहेंगे, दिस इज इक्वल्स टू फ्लक्स ऑफ एफ वेक्टर ओवर एस भी कहलाता है, फ्लक्स भी कह सकते हैं इसको, इसको हम फ्लक्स भी कह सकते हैं। ये फार्मूला हुआ, अभी फार्मूला निकालना बाकी है। यहाँ देयरफॉर डी एस क्या है, देयरफॉर डी एस इक्वल्स टू ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई बाय एन नॉर्मल वेक्टर के वेक्टर, के वेक्टर एन नॉर्मल वेक्टर है, के वेक्टर वेयर के इज, के वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग द जेड एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस अलोंग द जेड एक्सिस इन, अलोंग द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन,
ये एक्स वाई प्लेन में आएगा, एक्स वाई प्लेन रहेगा तो जेड एक्सिस पर क्या हो जाएगा, के वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से देयरफॉर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला पहला ये फॉर्मूला है कि देयरफॉर डबल इंटीग्रेशन एस एफ वेक्टर डॉट एन नॉर्मल वेक्टर डी एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसी को लिखेंगे आर रीजन एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी एक्स, डी एस के बदले में लिखेंगे डी एक्स डी वाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन नॉर्मल वेक्टर और के वेक्टर। ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन के लिए है, एक्स वाई प्लेन रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम, उसमें एक्स वाई प्लेन में जेड का वैल्यू रहेगा तो इसमें के वेक्टर यूनिट वेक्टर से इसका करेंगे। इसलिए तीन प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन होगा, फिर उसके बाद दूसरा एक ये फार्मूला हो गया एक्स वाई प्लेन के लिए, फार्मूला एक ही है एफ एन डी एस है, डी एस का इसका देंगे, केवल ये चेंज होगा डी एक्स बाई डी वाई एन के हो जाएगा। अगर दूसरा रहेगा तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला इसको याद रखेंगे, सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड का फॉर्मूला ये हो जाएगा डी सी स्क्वायर टू सेकेंड, ये इंटीग्रेशन ऑफ ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर यूनिट वेक्टर डी एस, मेन फॉर्मूला तो यही है, केवल चेंज होगा हमको डी एस, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन रीजन आर एफ वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर, और ये प्लेन हो जाएगा हमारा वाई जेड प्लेन, यानी डी वाई बाय डी जेड बाय क्या हो जाएगा एन वेक्टर और आई वेक्टर, ये चेंज हो गया वेयर आई यूनिट वेक्टर आई इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस इन YZ प्लेन, एंड R बी द प्रोजेक्शन ऑन S। अब आते हैं थर्ड, ये भी है, ये जो है दूसरा फार्मूला, फार्मूला एक ही है लेकिन हम प्लेन देखना पड़ेगा कौन प्लेन से हम, ये एक्स वाई प्लेन एक्स एक्सिस पर है तो एक्स वाई जेड प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, तीनों प्लेन का अलग अलग फार्मूला हम डी एस के लिए निकालेंगे। और तीसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आर, आर प्रोजेक्शन है ऑन एस पर सरफेस पर, एफ वेक्टर रीजन है आर, एन वेक्टर डी एक्स डी जेड बाय एन वेक्टर और जे वेक्टर, क्लियर है, वेयर जे इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस इन
जेड एक्स प्लेन, एंड आर बी द प्रोजेक्शन ऑन एस, प्रोजेक्शन ऑन एस, इतना तीन फॉर्मूला हो गया तीनों। एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, केवल ds चेंज होता है, ds को बदले में हम चेंज करेंगे, देख लेंगे कौन प्लेन में है उसके अनुसार, जिसका जीरो करेंगे उसको यहाँ नॉर्मल ये प्रोजेक्शन से ये डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो प्रोजेक्शन का है। तो इफ इंटीग्रेशन ओवर एस एफ वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर डी एस इक्वल्स टू जीरो, इसको तब क्या कहेंगे, देन एफ वेक्टर इज सेड टू बी ए सोलेनोइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर वन है, ये 2007 में पूछा हुआ है कल्हान यूनिवर्सिटी में और इम्पोर्टेंट भी है। इफ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 4xzi यूनिट वेक्टर माइनस वाई स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर प्लस वाई जेड के यूनिट वेक्टर, एफ वेक्टर दिया हुआ है, इवेलुएट इंटीग्रेशन एस एफ वेक्टर इन डॉट एन वेक्टर डी एस वेयर S is the surface of the cube bounded by x is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 0, y is equal to 1, z is equal to 0 and z is equal to 1. तीनों सरफेस का दिया हुआ है, यानी छः सरफेस, क्यूब है तो छः सरफेस होगा, छः सरफेस का दिया हुआ है, तो सिक्स सरफेस का हमको ये निकालना होगा, क्या चीज़, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी डबल इंटीग्रेशन एस, सब सरफेस को हम ये मान लेंगे, अलग अलग ये कर लेंगे। ये देख लीजिए, पहले ये फिगर बनाते हैं, ये क्यूब ये हो गया, इसको ओ मान लेते हैं,
इसको बी, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, इसको सी मान लेते हैं, इसको जी, और ये ई एफ, और ये हो गया डी, और ये इसको ए मान लेते हैं। तो इसमें सरफेस हमारा हो गया, ये एक छः सरफेस होगा, ये सरफेस पूरा हो गया, एक इसका पीछे ये सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, चार सरफेस, एक ऊपर पांच सरफेस, नीचे छः सरफेस, सिक्स सरफेस हो गया। ये सिक्स सरफेस का हमको अलग अलग निकालना होगा। तो देखते हैं, लिखेंगे द गिवन गिवन सरफेस ऑफ द क्यूब ऑफ द क्यूब इज बाउंडेड बाय एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू वन, y is equals to 0, y is equals to 1, z is equals to 0 and z is equals to 1. So the surface can be subdivided into six parts, six face है क्यूब में, तो six parts में इसको divide कर देंगे। Now पहला सरफेस को S1 मान लेते हैं, दूसरा का S2, तीसरा को S3, इस तरह से सरफेस को लिखेंगे। नाउ S1 इज द सरफेस फॉर्म बाय द फेस OADB, हम OADB ये नीचे वाला जो है S1 हम मान लेते हैं इसको फेस OADB इन एक्स वाई प्लेन, इन OADB इन एक्स वाई, ये एक्स और वाई प्लेन में, इन एक्स वाई प्लेन where क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन में है तो जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एंड इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा, माइनस के निगेटिव में आएगा, क्योंकि जेड ऊपर में है, यह निगेटिव में आएगा, माइनस के वैक्टर, एंड एफ वैक्टर क्या हो जाएगा, जेड जीरो है तो ये के वैक्टर खत्म हो जाएगा, ये जीरो, जेड जीरो है तो ये ख़त्म, और ये यहाँ जेड है, ये दोनों ख़त्म, क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर जे वेक्टर, क्लियर है। सो डेट एफ वेक्टर डॉट एन नॉर्मल वेक्टर
इसका स्टू क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर जे वेक्टर डॉट माइनस के वेक्टर, यही है नॉर्मल, इतना ही है। तो इसको हम ये जे डॉट के क्या होता है, जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया जीरो। देयरफॉर इंटीग्रेशन एस वन एफ वेक्टर डॉट एन नॉर्मल डी एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू वन, सबका लिमिट क्या हो जाएगा जीरो टू वन, और ये एफ एन का क्या निकलेगा, निकला है हमको जीरो इंटू डी एस, डी एस के बदले में डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो। एस वन हमारा कितना निकल गया जीरो, फिर लिखेंगे एस टू इज द एस टू इज द सरफेस फॉर्म्ड बाय द फेस formed by the face GEFC, face G capital G E F C ऊपर में है GEFC, ऊपर में ये है S2, इसको S1 ये, तो ऊपर वाला क्या होगा GEFC, GEFC भी क्या है इन एक्स वाई प्लेन में, दोनों सेम है, जी ई एफ सी इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन वेयर जेड इज इक्वल टू कितना दिया वन, और एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वहां निगेटिव था यहां आ जाएगा पॉजिटिव, एंड डी जेड हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका डी जेड इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, क्लियर है। अब वी हैव एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फोर एक्स जेड आई वेक्टर माइनस वाई स्क्वायर जे वेक्टर प्लस वाई जेड के वेक्टर, यही दिया हुआ है क्वेश्चन, यही है। तो इसका जेड के जगह पर क्या वन देंगे, तो ये हो जाएगा फोर एक्स आई माइनस वाई स्क्वायर जे वेक्टर प्लस वाई के वेक्टर, जेड के जगह पर वन दे दिए, ये एफ वेक्टर हमको निकल गया। देयरफॉर एफ वेक्टर डॉट एन नॉर्मल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फोर एक्स आई वेक्टर माइनस वाई स्क्वायर जे वेक्टर प्लस वाई के वेक्टर, और डॉट एन नॉर्मल कितना है के वेक्टर है, बाकी जीरो है, तो दिस इज इक्वल टू के डॉट के क्या वन हो गया, दिस इज इक्वल टू केवल वाई हो जाएगा, यानी देयरफॉर लिख देंगे देयरफॉर एफ वेक्टर डॉट एन नॉर्मल इज इक्वल टू वाई। अब इसका हम निकालेंगे क्या, सरफेस इंटीग्रल, दिस इज इक्वल्स टू देयरफॉर डबल इंटीग्रेशन ओवर एस टू एफ वेक्टर डॉट एन नॉर्मल डी एस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जीरो टू वन, लिमिट तो सब में जीरो टू वन ही है, वाई डी एक्स डी वाई, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा
इंटीग्रेशन 0 to 1, और इसको y है तो y d इंटीग्रेशन 0 to 1 y dy, dx कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, y का हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 y स्क्वायर बाई 2 0 to 1 dx, इसका 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 dx, दिस इज इक्वल टू 1/2 और x हो गया 0 to 1, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और 1 - 0 1 ही हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट S3 लिखेंगे। S3 नाउ S3 इज द सरफेस फॉर्म्ड बाय द फेस by the face ADEG, ADEG in YZ plane, ADEG, ये S3 इसको कहेंगे ADEG, ADEG, ये वाला फेस हो गया। फिर नेक्स्ट उधर वाला फेस ले लेंगे, एक ऊपर नीचे लिए एक ऊपर, S1 S2 ये हो गया S3, वो हो जाएगा S4, फिर S5 S6, इस तरह से। तो ये फेस हो गया, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बनेगा आपको स्टॉक्स थ्योरम में, बनेगा वेरिफिकेशन में, इस तरह का सवाल वेरिफिकेशन में बनाया जाता है वेरीफाइड करने के लिए, डायरेक्ट फार्मूला पर बना करके फिर इस तरह से वेरिफिकेशन में क्वेश्चन ज़्यादातर वेरिफिकेशन का ही आता है। इसलिए अभी से ही समझने की कोशिश कीजिए कैसे बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी है। हुए S3 इज द सरफेस फॉर्म बाय द फेस ADEG इन YZ प्लेन वेयर नॉर्मल YZ प्लेन क्या आ जाएगा, नॉर्मल n इज इक्वल टू i वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि x 0 हो जाएगा, 0 या 1, x इज इक्वल टू 1 देयर फॉर एंड n क्या आ जाएगा, एंड dx क्या आ जाएगा इसका, dx इज इक्वल टू 0, तो देयर फॉर YZ प्लेन में क्या हो जाएगा, किसको 0 करेंगे, x 0 या 1, जो भी वैल्यू रहेगा, x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा या x का वैल्यू 0 रहेगा, तो हमको YZ प्लेन में रहेगा और उसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए, ये हो जाएगा f वेक्टर इज इक्वल टू 4xz, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, i वेक्टर माइनस y स्क्वायर j वेक्टर प्लस YZ के वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, अब x का वैल्यू 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, 4z i वेक्टर माइनस y स्क्वायर j वेक्टर, यूनिट वेक्टर सब है, अब प्लस y के वेक्टर, z का वैल्यू 1 है, अब देयरफॉर f वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4z i वेक्टर माइनस y स्क्वायर j वेक्टर प्लस y k यूनिट वेक्टर डॉट n वेक्टर कितना आया था, i वेक्टर डॉट i वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, i से i रिलेटेड 1 होगा, बाकी सब तो 0 हो जाएगा, तो केवल क्या हो गया, 4z f वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर हो गया हमको। हेंस लिखते हैं, हेंस डबल इंटीग्रेशन ओवर S3 फेस का निकाल लें, f वेक्टर डॉट n वेक्टर ds, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू लिमिट क्या है, 0 टू 1, और लिमिट 0 टू 1 4z fn के बदले में 4z लिखेंगे, और ds के बदले में dy dz। तो ये हो गया हमारा
जेड है तो जेड के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 4, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय टू, जेड स्क्वायर बाय टू डी वाई। इसको एक स्टेप और यहाँ भर देते हैं तब 0 to 1, और ये हो जाएगा घेर देते हैं तब और यदि ज़्यादा समझ में आएगा, और फोर यहाँ फोर कर लीजिए जेड डी जेड डी वाई, इसका यहाँ आ गया रिजल्ट क्लियर। अब ये 0 to 1 पुट करेंगे अपर लिमिट, 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 0 तो 1/2 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 4/2 हो गया, 4/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 डी वाई, यही हो गया 2 और ये हो गया वाई 1 to 0, दिस इज इक्वल्स टू 1 - 0 तो 1 हो गया तो 2 हो गया ये। अब आते हैं S4 इज द सरफेस, इसी का जस्ट ये अपोजिट है, इज द सरफेस फॉर्म्ड बाय, इस टाइप का क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा समझ में आ जाएगा। ओ बी एफ सी इन वाई जेड प्लेन, इन वाई जेड प्लेन सेम प्लेन में होगा, वेयर एन यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस आई, वो था प्लस आई और ये हो गया माइनस आई, और एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वहाँ 1 था यहाँ 0 एंड डी एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया, डी एक्स इक्वल्स टू 0 क्लियर है। अब एंड एफ वेक्टर क्या दिया है, 4xz आई यूनिट वेक्टर माइनस वाई स्क्वायर जे वेक्टर यूनिट वेक्टर है प्लस वाई जेड के यूनिट वेक्टर, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे एक्स 0 थी ख़त्म हो गया, ये 0 हो गया और एक्स इसमें नहीं आती, हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जे वेक्टर प्लस वाई जेड के यूनिट वेक्टर, एफ वेक्टर हो गया। देयरफॉर एफ वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर नॉर्मल है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर प्लस वाई जेड के यूनिट वेक्टर, और डॉट एन यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस आई कहीं नहीं है, माइनस आई क्या है, ये आई डॉट जे 0 के आई डॉट के 0 सब 0 हो गया, हेंस डबल इंटीग्रेशन ओवर एस फोर एफ डॉट एन वेक्टर डीएस इज इक्वल्स टू 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 और एफ एन का है 0 इंटू डी वाई डी जेड दिस इज इक्वल्स टू 0 क्लियर है। नेक्स्ट में आएंगे S5, पांचवा है सरफेस। S5 इज द S5 इज द सरफेस formed by the face OCGA क्या है,
OCGA आपका ये है यहाँ OCGA, ये फेस हो गया हमारा, ये फेस हो गया S1, ये हो गया S2 और ये हो गया S3, ये हो गया S4, अब ये हो गया S5, ये हो जाएगा S6, OCGA क्लियर है। ये OCGA फेस हम ले रहे हैं S5 इन एक्स जेड प्लेन, एकदम स्थिर समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स जेड प्लेन वेयर नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर एक्स जेड प्लेन में वाई हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर, माइनस वाई का क्या है माइनस जे, प्लेन एक्स जेड में वाई, ये इसमें वाई नहीं है तो वाई का नॉर्मल हो जाएगा, जो नहीं एक्स वाई प्लेन में जेड नहीं है तो जेड का नॉर्मल हो गया, और वाई जेड प्लेन में तो वाई जेड प्लेन में तो एक्स नहीं है तो आई नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा दोनों का, फिर वाई जेड प्लेन में एक्स जेड है प्लेन में तो वाई नहीं है तो वाई का नॉर्मल निकल जाएगा जे माइनस जे, ये निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि इधर साइड में है तो इसलिए माइनस जे हो गया, पॉजिटिव साइड में रहता तो पॉजिटिव ले लेते, क्लियर है आइसकन। एंड वाई इसका इस कितना है जीरो, और देयरफॉर एंड डी वाई क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा इसका, एंड एफ वेक्टर दिया हुआ है कि फोर एक्स जेड आई वेक्टर, सारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, माइनस यूनिट नॉर्मल वेक्टर का साइन कैप होता है ऊपर में, वो देना मत भूलिएगा, वाई स्क्वायर जे यूनिट कैप दे देंगे, फिर यूनिट नॉर्मल वेक्टर प्लस वाई जेड के यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दिस इज कस्टू क्या हो जाएगा वाई जीरो देंगे तो ये कैंसिल, ये जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा फोर एक्स जेड आई यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इतना ही बचा एफ वेक्टर, इतना ही बचा। अब आइए देयरफॉर एफ वेक्टर डॉट एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा फोर एक्स जेड, फोर एक्स जेड आई वेक्टर और डॉट माइनस जे वेक्टर। अब यहाँ आई डॉट जे क्या होता है जीरो, ये सारा जीरो हो गया, एफ एन जीरो हो गया, तो देयर फोर लिखेंगे देयर फोर इंटीग्रेशन ओवर एस फाइव सरफेस एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी एस, दिस इज कस टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन एंड जीरो टू वन, और एफ एन का है वैल्यू जीरो एंड टू एक्स जेड प्लेन में है तो डी एक्स डी जेड हो जाएगा इसका टू जीरो, क्लियर है। अब आइए एस सिक्स लास्ट, एस सिक्स इज द सरफेस, एस सिक्स इज द सरफेस फॉर्म्ड बाय द फेस कौन फेस है डी बी एफ ई, डी बी एफ ई ये फेस है, ये डी बी एफ और ये फेस, इस फेस का एस फाइव लिए थे, इस फेस का एस सिक्स लेंगे, और ये क्या है इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर वैल्यू है वन, वाई का वैल्यू है वन, इन वही प्लेन है इन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन है क्योंकि दोनों एक साइड है एक्स जेड प्लेन, अपोजिट साइड भी वही प्लेन में रहेगा, वेयर एन नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा जे, जे यूनिट वेक्टर एक्स जेड प्लेन का क्या हो जाएगा, एक्स जेड इसमें है तो वाई नहीं है तो वाई का हो जाएगा नॉर्मल, तो y का नॉर्मल क्या हो जाएगा j यूनिट वेक्टर, y इज इक्वल टू उसका वैल्यू दिया हुआ वन एंड इसका क्या निकलेगा डिफरेंशिएट करेंगे तो एंड dy वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन का कॉन्स्टेंट टर्म है जीरो हो जाएगा लिखेंगे एंड एंड
एफ वेक्टर। सो सिंपल, सो एक ही मेथड से बन रहा है, और अगर ये समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझना आसान रहेगा। इसीलिए धैर्य के साथ और माइंड कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। अगर अभी समझ में आ गया तो आगे का ये ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इसी से मिलता जुलता, इसी तीनों से रिलेशन है। लाइन इंटीग्रल से रिलेशन है, सरफेस इंटीग्रल से रिलेशन है, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल से रिलेशन है तीनों थ्योरम का। तो पहले ये सब इंटीग्रल जानने के बाद तीनों थ्योरम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये वेरिफिकेशन में इसको हम बनाते हैं, ये वेरीफाई करने के लिए, हेंस ये वेरिफिकेशन में आता है। काम फार्मूला पर तो बन जाएगा आसान तरीके से, लेकिन वेरीफाई करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। हर फेस का ये इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए वेरिफिकेशन जानना जरूरी है। सेम यही मेथड है बनाने का, वेरिफिकेशन के लिए हम इसी मेथड से बनाएंगे, यही मेथड अप्लाई करेंगे। तो अब आइए देखते हैं 4xz क्वेश्चन में क्या है। एफ वेक्टर दिया हुआ 4xz आई वेक्टर माइनस वाई स्क्वायर जे वेक्टर और प्लस वाई जेड के वेक्टर। अब हमारा वाई का वैल्यू दिया हुआ कितना, 1। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4xz आई तो रहेगा ही, इसमें वाई नहीं है, ये माइनस वाई वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस जे वेक्टर हो जाएगा, अब प्लस वाई वन हो गया तो जेड के वेक्टर हो गया, ये हमारा एफ वेक्टर निकल गया ये। अब हम क्या निकालेंगे, एफ एन। देयरफॉर एफ वेक्टर नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होता है, 4xz आई वेक्टर माइनस जे प्लस जेड के वेक्टर, और डॉट जे वेक्टर से एन नॉर्मल क्या है इसका, जे। तो केवल जे आई क्या हो जाएगा, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और जे डॉट के 0 होता है। तो ये सब 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस 1। यानी देयरफॉर एफ वेक्टर डॉट एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस 1 आया हमारा। अब हम निकालेंगे, हेंस इंटीग्रेशन ओवर, डबल इंटीग्रेशन ओवर S6 सरफेस एफ वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर ds, दिस इज इक्वल टू 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। सर सारा के लिमिट क्या है, 0 से 1 तक ही है, और एफ एन का वैल्यू कितना आया, 1 माइनस 1, और डी एस के बदले में कौन है, कौन प्लेन में है, एक्स और जेड, क्या लिखेंगे, dx dz, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बाहर कर लीजिए और 0 to 1, और इसको घेर देते हैं 0 to 1 और dz dx, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और dz का हो जाएगा जेड, और 1 to 0 dx, 1 माइनस 0 to 1 ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 to 0 dx, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस x 1 to 0, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, माइनस 1, इसका वैल्यू निकल गया माइनस 1। अब लिखेंगे देयरफॉर टोटल इंटीग्रेशन ऑफ सबका क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर s, अब ये s हो गया, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ओवर s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ओवर s f वेक्टर डॉट n वेक्टर ds इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन s1 प्लस डबल इंटीग्रेशन ओवर s2 प्लस डबल इंटीग्रेशन ओवर s3 प्लस डबल इंटीग्रेशन ओवर s4 प्लस डबल इंटीग्रेशन ओवर s5 डबल इंटीग्रेशन ओवर s6। सिक्स फेस का सबका अलग अलग वैल्यू, s1 का कितना आया था 0 प्लस
एस टू का आया था हाफ, एस थ्री का आया था जीरो, प्लस एस फोर का आया है हमारा जीरो, और एस फोर और एस फाइव का आया है, एस थ्री का भी जीरो, एस थ्री का टू आया है, एस थ्री का टू, एस फोर का जीरो और एस फाइव का भी जीरो आया है, प्लस एस सिक्स का माइनस वन। दिस इज इक्वल्स टू क्या आ गया, हाफ और टू माइनस वन, दो में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस वन। दिस इज इक्वल्स टू थ्री बाय टू, यही आंसर हो गया। क्लियर है, ये आंसर है थ्री बाय टू। ये इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन वेरिफिकेशन में बनाते हैं और क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आगे भी आगे समझाएंगे तो सब आसान रहेगा समझना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे, हाजिर होंगे क्वेश्चन नंबर टू से, जो कि इम्पोर्टेंट भी रहेगा सरफेस टेस्टिंग वगैरह से, चार पांच क्वेश्चन बनाएंगे हम, तो देखते हैं। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मैथमेटिक्स बनाते रहें। थैंक यू।